इंडिया इज द लैंड ऑफ कामसूत्र। सुनी तो नहीं पर ये स्टेटमेंट पढ़ी कई जगह है। सुनी इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया में सेक्स वर्ड का यूज भी अपने आप में एक टैबू है। हाँ, अर्बन सिटीज में लोग थोड़ा ओपन हो रहे हैं, फिर भी सेक्स से जुड़ी इमोशंस, इश्यूज और प्रॉब्लम्स पर अभी भी ओपनली किसी को भी इस बारे में डिस्कस करते हुए नहीं सुनोगे। कमाल है ना, जिस देश में खुजराओ, हम्पी, कोणार्क सन टेंपल जैसे एंशिएंट टेंपल्स पर सेक्स पोजीशन शोकेस करते हुए इरोटिक स्कल्पचर्स बने हैं, उसी देश में सेक्स के बारे में बात करना एक्सेप्टेबल नॉर्म नहीं है। जिस किताब के बारे में दुनिया भर में लिखा गया, पढ़ा गया, उस किताब के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करता। ऐसी किताब जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ सेक्स के बारे में बात हो रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल, और कोई करे या ना करे, पर हम आज बात करेंगे कामसूत्र के बारे में, और इस बारे में कि as to why Indians are scared of कामसूत्र। कामसूत्र एक पुराना इंडियन ग्रंथ यानी किताब है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ लव भी कह सकते हैं। सेकेंड से थर्ड सीई के बीच में वत्स्याना मलंगा द्वारा संस्कृत में लिखी ये किताब आम धारणा से बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग इसे सेक्स की किताब ही समझते हैं, लेकिन ना तो ये कोई सेक्स मैनुअल है, ना ही सेक्स पोजीशंस या आपको सेक्स जिमनास्ट बनाने की किताब। ये उससे एकदम हटके सेक्सुअलिटी, एरोटिज्म और इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में। काम का मतलब है डिजायर, लव, प्लेजर, सेक्स, और सूत्र का मतलब है सिस्टमैटिकली लिखा हुआ। ये किताब एक ऐसी गाइड है जो सेक्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ जीने की कला, नेचर ऑफ लव, कंपैटिबल लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढें, हैप्पी लव और फैमिली लाइफ पाने के लिए क्या करें, अपने हर एक बॉडी पार्ट का ख्याल कैसे रखें, और जीवन में खुशियां देने वाले बहुत से एस्पेक्ट्स के बारे में। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो इम्पोर्टेंस कौटिल्य में लिखे अर्थशास्त्र की है, वही इम्पोर्टेंस काम में कामसूत्र की है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, और तो और इस किताब के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। अब इस किताब में आखिर है क्या, ये जान लेते हैं। ये 7 किताबों से मिलकर बना है। इसकी शुरुआत होती है पहली किताब में लिखे जनरल प्रिंसिपल से। ब्रह्मा ने जब आदमी और औरत बनाए तो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए धर्म, अर्थ और काम से जुड़े कुछ नियम यानी रूल्स भी बनाए। धर्म रेफर करता है जब तक हम जिंदा हैं तब तक की हमारी ड्यूटीज पर। अर्थ यानी मटीरियल वेल्थ इकट्ठी करना, और काम रेफर करता है 5 सेंसेस के प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को। ये बताता है कि एक जेंटलमैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पैसे कमाने के लिए काम के साथ साथ उसकी लाइफ में फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, पिकनिक्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट, पार्टीज करना, यहाँ तक कि दोस्त, हेल्पर्स जैसे लोगों को कैसे ढूंढे ये भी लिखा है। सेक्सुअल पार्टनर्स ढूंढना, बीइंग लवर्स, फेथफुल रहना जैसे और बहुत से टॉपिक्स भी इसमें कवर किए हैं। 64 तरह की ऐसी आर्ट्स जो वुमेन को सीखना चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। दूसरी किताब में मेजरली सेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फोरप्ले, टाइप्स ऑफ लव एंड लवर्स, सेक्स की ड्यूरेशन, क्लाइमैक्स, इंटिमेसी, सेक्सुअल पोजीशंस, किसिंग, ये सब बहुत ही डिटेल में बताया गया है इसमें। जब भी कामसूत्र की बात होती है तो अक्सर लोग इसी किताब के बारे में बात करते हैं। तीसरी किताब में है हाउ टू गेट अ वाइफ, शादी के लिए सही लड़की ढूंढना, कैसे लड़की से शादी ना करें, कैसे डिसाइड करें, कैसे लड़की का ट्रस्ट जीतें, दोस्ती कैसे बढ़ाएं, उसका दिल कैसे जीते से लेकर दोस्ती से इंटिमेसी तक कैसे पहुंचे, सब लिखा है इसमें। गर्ल्स के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि लड़कों के एडवांसेस को कैसे पहचाने, खुद कैसे शुरुआत करें और उनका दिल कैसे जीतें। फोर्थ बुक इज ऑल अबाउट वाइफ की ड्यूटीज और प्रिविलेजेस। वाइफ की लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे वो घर में अपनी पावर यूज करे, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में कैसे रहे, कब चार्ज ले और कब नहीं, एज अ वाइफ उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ बहुत ही डिटेल में लिखा गया है।
आपको थोड़ी हैरानी हो शायद ये जानकर कि इसमें पॉलीगैमी और रीमैरिज के बारे में भी लिखा है। पांचवी किताब बात करती है ह्यूमन नेचर के बारे में, किन सिचुएशंस में प्यार होता है और ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जो इस प्यार को कम या फिर खत्म कर देती है। इस किताब में अडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे टॉपिक्स पर भी डिटेल में लिखा है। सिक्स्थ बुक है कोर्टेजन्स यानी प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में, क्लाइंट्स और लवर ढूंढने से लेकर क्या करना है क्या नहीं टू कीप देम इंटरेस्टेड सब है। और आखिरी सेवेंथ किताब है खुद के बारे में, जैसे कि लड़का और लड़की अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखें, किन तरीकों से वो अपने आप को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और सेक्सुअल डिफिशियंसीज के लिए होम रेमेडीज भी लिखी हैं इसमें। इस किताब में इतनी इंफॉर्मेशन है ये तो आप जान गए हो। अब ये जानना बाकी है कि आखिर फिर भी लोगों को इसके बारे में बात करने से डर क्यों लगता है। सेक्स और सेक्सुअलिटी से जुड़े टैबू हमारे बहुत अंदर तक गड़े हुए हैं। ट्रेडिशनली सेक्स को एक बहुत ही प्राइवेट मैटर माना जाता है। सेक्स का मतलब है रिप्रोडक्शन, नथिंग मोर। एक ऐसा टॉपिक जिस पर कम्युनिटी तो क्या अपने फैमिली वाले भी बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने इसके बारे में कुछ बात करनी भी चाहिए तो बेशरम कहकर उसे वहीं चुप करा दिया जाता है। फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश की तो ना सिर्फ उस समय बल्कि बाद में भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है। सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ी किसी भी बात को वल्गर और शेमफुल कह देते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों के पीरियड्स के बारे में भी बात करने की मनाही। भाई या पापा से बात करना तो दूर, पैड्स तक को छुपा के रखते हैं। सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ, जरूर देखना। सेक्स के बारे में बात करना हमारे कल्चर के खिलाफ है, सोसाइटी के लिए खराब है, जवान लोगों को करप्ट कर देता है, लोगों को गलत रास्ते पर धकेल देता है। बचपन से ही यही सब सुना सुना कर इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि बात करना तो दूर, इसके बारे में सोचने से भी लगता है कोई गुनाह कर दिया है। जब बात नहीं कर सकते तो कामसूत्र को कैसे पढ़ने देंगे। कामसूत्र सेक्स की किताब है, गंदी है, बेकार है, गलत शलत लिखा है इसमें, पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा, बस यही सब सुनेंगे अगर कोई इसे पढ़ने की बात भी करे। किसी ने पढ़ी नहीं है पर एक ऐसा इम्प्रेशन बना रखा है अपने दिमाग में इसके बारे में जो मौका मिलते ही दूसरों पर छाप देते हैं। एक ऐसा डर बैठा देते हैं मन में कि लगता है अगर कहीं गलती से भी इस किताब के बारे में बात कर ली तो पूरी सोसाइटी में इंसल्ट हो जाएगी और अगर कहीं पढ़ ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब तक हम इन टैबू से बाहर नहीं निकलने की कोशिश करेंगे, सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देंगे, ये एक स्टिग्मा की तरह चिपका रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी सोसाइटल वैल्यूज को सेक्स के लिए पूरी तरह बदल दें या फिर सब कुछ चलता है वाली सोसाइटी बना दें, पर थोड़ा तो बदलना ही पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो लुक छिप कर एक्सपेरिमेंट्स करने की बजाय वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट जरूर करना, बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो।